नई जगह के तलाश किया मैंने। मैं वो हॉस्टल में होटल गया था, हेलो गाइस एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। जानता हूँ बहुत दिनों के बाद एक बार ब्लॉग बना रहा हूँ, तो सोचा थोड़ा हटके बनाते हैं, थोड़ा अलग बनाते हैं। तो एक नई जगह के तलाश किया मैंने, महाराष्ट्र का एक फेमस ट्रैक है जिसका नाम है हरिहर ट्रैक। बहुत नाम सुना था, बहुत वीडियोस देखे थे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे उसके। तो एक गैप मिला, छुट्टियों का गैप मिला, तो सोचा वहाँ पे एक ट्रिप मान लेते, एक ट्रैक करते हैं। अकेले जा रहा हूँ, कभी गया नहीं अकेले, बाकी हमारे दोस्तों के साथ जा रहा था, बट दिस टाइम अकेले जा रहा हूँ। देखते हैं क्या एक मेरा एक सोलो ट्रिप जो कि मैं पहली बार कर रहा हूँ कैसा होता है, पता नहीं कैसा होने वाला है, एक नया एक्सपीरियंस है। तो मिलता हूँ बस में, बस स्टैंड। So finally back. So fresh up होके अभी थोड़ा नीचे खाना वाना खा के गए। तो अभी मैं हूँ एक हॉस्टल में, होटल गया था बट होटल बहुत कॉस्टली था, तो मैंने बैकपैकर के एक हॉस्टल है वहाँ पे बुकिंग किया। चले दिखा, और ऐसे ही शाम हो जाती है, समय गुजरते पता नहीं चलता, और मैं निकल पड़ता हूँ अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि पिकअप पॉइंट होता है ट्रैक पांडा का। और मेरे हॉस्टल से जो पिकअप पॉइंट था कुछ अराउंड 15-20 मिनट की दूरी पे था, तो मैंने फटाफट से ऊबर से ऑटो बुक किया और मैं तुरंत निकल गया। और यूजुअली मेरे को ऐसे ही ट्रैफिक मिली थी। बस में हंसी मजाक करते हुए हम पहुंचते हरिहर फोर्ट के बेस पे। सुबह के अराउंड 4:30 बज रहे थे,
और जैसे ही बस का डोर खुला, ये नन्हे प्यारे डॉगीज ने हमारा वहाँ पे स्वागत किया। और हमें लग रही थी थोड़ी सी भूख, जो कि ट्रैक स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी थी, तो गाइड जो थे हमारे साथ, जो उन्होंने सामने के घर में बोल दिया था कि नाश्ता बनाने के लिए, तब तक वेट कर रहे थे कि थोड़ा सनराइज हो जाए। जैसे ही सनराइज हुआ, हमने देखा ये व्यू। पीछे देख सकते हैं हरी एयरपोर्ट है। अभी जा रहा हूँ पानी लेने के लिए, क्योंकि पानी की ज़रूरत पड़ने वाली है। एंड क्लाइमेट तो ठीक ठाक है अभी, इतना ये नहीं है, लाइक पता नहीं आगे जाके कैसे होने वाला है। सो अभी पूरा फॉग है, देख सकते हैं पीछे। अभी तो लोग उतने आए नहीं हैं, धीरे धीरे करके लोग सब आ रहे हैं। देखते हैं, आज वीकेंड तो है, देखते हैं कितने लोग मिलते हैं। फटाफट हम अपना नाश्ता कंप्लीट करते हैं और शुरू करते हैं हमारा ये जो हरिहर फोर्ट का जो ट्रैक है वो हम स्टार्ट कर देते हैं। अर्ली मॉर्निंग था, अराउंड 6:30 अराउंड हमने स्टार्ट कर दिया था, और वीकेंड था तो ऑब्वियसली रश होने वाला था। तो इसलिए हमारे जो गाइड थे उन्होंने बताया कि फटाफट से कंप्लीट ऊपर चढ़ते हैं कि रश होगा, और ऐसे ही हुआ। जब हम वापस आए बहुत रश थी। तो हम पहुंचते हैं हमारा पहला चेकिंग पॉइंट। जैसे कि ये जो गेट देख रहे हैं ना, ये गेट था जो एंट्री पॉइंट था, तो हमें लगा कुछ चेकिंग वेकिंग होगा, बट ऐसा कुछ था नहीं। हम जैसे ही गेट के अंदर होते, वो खाली था, ठंडन गोपाल, कुछ वहाँ पे कोई ना सिक्योरिटी कुछ नहीं था, कोई चेकिंग वेकिंग था। तो हम ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा है कि वो जो पीक रहता है, पीक का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो 80 डिग्री जो स्टेप्स है, उससे पहले हमें कुछ फॉरेस्ट्री एरिया जो है उसको कवर करनी रहती है, और कुछ वो उतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। आपको कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं, अराउंड आधा किलोमीटर आई गेस आपको एक फॉरेस्ट्री जो पार्ट है वो कवर करना रहता है। ऐसे छोटे छोटे पत्थर है और ऐसे ही जाना है, ऐसे सिंपल सी जगह, कुछ उतना मुश्किल नहीं है ये फॉरेस्ट कवर करना। तक हम जो स्टेप से वहाँ तक पहुँचे भी नहीं थे, और हमें जाने का ऊपर बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि जब भी हम पीछे मुड़ के देखते थे एक खूबसूरत से नज़ारे हमें रोक लेते थे वीडियो कैप्चर करने, फोटो करने के लिए, तो ऊपर जाने का मन ही नहीं होता था, बट हमें जाना पड़ा। तो मैंने जो था वो 80 डिग्री का स्टेप था उसको कवर किया, और ऊपर से कुछ व्यू ऐसा दिख रहा था। और जैसे हम लोग पहुँचते, एक छोटा सा गुफा टाइप का एक ये रास्ता है, एक पैच है लेफ्ट साइड, आपको कुछ एक सपोर्ट नहीं है, सिर्फ राइट साइड एक पत्थर है और हमें क्रॉस करना रहता है इसको। हाइट उतना था, ज़्यादा था कि हमें झुक के जाना पड़ा। हाँ ठीक है। Thank you.
सारी मुश्किलों को क्रॉस करते हुए हम पहुंचते हैं हरिहर फोर्ट के पीक पे, सॉरी टॉप पे। टॉप पे हम पहुंचते हैं और मुझे एक छोटा सा जो आपको लाठी जैसा दिख रहा है, स्टिक जैसा दिख रहा है आपको सामने, वहीं पे एक हनुमान जी का मंदिर भी है। हमने वहाँ पे फटाफट दर्शन किए और आगे बढ़े। एक और पीक है, छोटा सा एक पीक है, वहाँ पे हम जाना था। चलो स्विमिंग कर लो। तो आपको एक टेंशन भी होगा कि अगर ऊपर जाए तो प्यास लग गए पानी, तो उसकी कोई फिक्र नहीं है। आपको कुछ कुछ दुकानें मिल जाएंगी ऊपर, वहाँ पे आपको पानी मिल जाएगा, जूस मिल जाएगा, लेमन जूस में, बट आई टेलिंग इट्स कॉस्टली वहाँ पे, तो सेफ है कि आप अपना खुद कैरी करें। तो हमें लग रहा था कि हो गया ख़त्म इतना ही, बट नहीं, हमें ये जो छोटा सा, जो एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक स्टोन दिख रहा है, पत्थर पहाड़ जैसा दिख रहा है, इसे भी हमें चढ़ना था। और इसे चढ़ने में ही हमारी बैंड बच जाती है। बहुत मुश्किल होती है इस छोटे से पहाड़ को चढ़ने में, क्योंकि आपके पास ना ही कोई ग्रिप है, ना ही कुछ लाइक ट्रेड कैरे बना, कुछ नहीं रहता आपको स्टोन, ना ही कोई स्टेप्स है। आपको नॉर्मली इस पे आपको जगह बना के यहाँ पे चढ़ना रहता है, जैसे कि मैं अभी इस पे चढ़ता हूँ। अरे हाँ दो बाबा, हाँ ना दो, पाँव पाँव के साथ में ऊपर उठाना, पाँव पर पाँव, रुक जा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पहले वीडियो रिकॉर्ड कर लो मम्मी के लिए, ये याद ये ले लो, रिकॉर्ड करो, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक नहीं होगा ये, हां मैं बस पकड़ के रख रहा हूं, अपने ही सपोर्ट, आ जाओ खुद से, आ जाओ घुटने से सपोर्ट करना, घुटने का आ जाओ, यू कैन गो, हां ठीक है, गुड गुड, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, वेरी गुड, खड़ी हो जा, कन्नू आ जा, ये साइड से इसको पकड़ो, ये रहा ना ये कैरेक्टर, अरे इसमें लंबा है, जा यू मेड इट मैन, फाइनली हाउ आर यू फीलिंग, टू गुड, बट क्या आ रही आफ्टर डूइंग दिस ट्रेक, यू आर ऑलमोस्ट एट द पीक, यू हैव लाइक कवर्ड द पीक एंड यू कैन सी द फ्लैग हियर, द हनुमान्स लॉर्ड हनुमान्स फ्लैग, व्हाट डिफिकल्ट है भाई, अच्छे नहीं, कम ऑन गुप्ता जी, या हमारे कप्तान साहब, जय श्री राम। बाकी किधर गए, बाकी आ रहे होंगे भाई, भैया स्माइल करो या तो, हम भी, अरे हाल क्या, गोप्रो वाले भैया स्माइल करो या, हमें फोटो में आ रहे थे ना, अच्छा हमको ना इनको बोल रहे हैं, तो हम और थोड़ा आगे जाते हैं। वहाँ पे एक टॉम दिख रहा था, जैसे कि कुछ पुराने राजा महाराजा के टाइम में जेल जैसा होता था, वहाँ पे एक छोटा सा था, बट हमें नहीं पता था कि वहाँ पे जाके हमें कुछ अलग ही नज़ारे मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत से नज़ारे थे, जो कि हमने कैमरे में नहीं, आँखों से कैप्चर किया है। वहाँ पे कैमरा थोड़ा देर के लिए बंद किया और हमने कुछ थोड़ा देर वेट किया, टाइम स्पेंड किया और कुछ बहुत ही खूबसूरत से नज़ारे लिए, जो कि आपको आगे इस ड्रोन शॉट्स में आपको देखने मिलेंगे। और ड्रोन शॉट्स मैंने नहीं लिए, ड्रोन थेरेपी नाम का एक पेज जो उन्होंने लिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में।
इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम निकल पड़ते डिसेंड होने के लिए, नीचे जाने के लिए, क्योंकि असली ट्रैक अब शुरू होने वाला है। क्योंकि हरियर ट्रैक का जो मेन पॉइंट है नीचे उतरना, और हमने देखा कुछ बहुत खतरनाक नज़ारे। जैसे नीचे उतर रहे थे और ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे सब की बैंड बज जाती है, और हमें जो ये भाई साहब कैप वाले भाई साहब जो है ना, इन्होंने बोल दिया कि रुकने के लिए, क्योंकि सामने से बहुत सारे लोग आ रहे थे और हमें रुकना पड़ा, और हमारी जान हलक में अटकी हुई थी। और जब हम वेट किए तब हमने देखा कुछ अलग ही, छोटे छोटे बच्चे जो ये थे ये ऊपर चढ़ रहे थे, ये कुछ 6 या 7 साल के होंगे। ये तो कुछ भी नहीं था, आगे तो और भी है। एक लेडी थी जो कि इस वीडियो में आएगी, लेडी थी वो, उसने उन्होंने बेबी कैरी करते, ये जो लेडी है ये इन्होंने बेबी कैरी करते 1 हैंडेड, ये ऊपर चढ़ रही थी। आई डोंट नो हाउ शी विल गेट डाउन। इसके जब नीचे उतरते हुए जो डिफिकल्ट पैच था जो हमने कंप्लीट किया, और एक था जो कि 80 डिग्री का स्टेप हमें नीचे उतरना था, वहाँ पे ना बहुत सारे जाम लगे थे, बहुत सारे लोग आ रहे थे। अगर कोई एक ऊपर चढ़ा तो हमें वेट करना पड़ा, क्योंकि जब तक वो ऊपर नहीं चढ़ जाते हम नीचे नहीं जा सकते, स्टेप बहुत छोटे थे। हमने वेट किया और तब नीचे उतरे, और जब नीचे से देखा हमने ये व्यू, भाई बहुत लोग थे, जैसे रील वर्सेस इंस्टाग्राम का जो बताते ना, सेम टू सेम ऐसा ही था बिल्कुल, बहुत सारे। और इसके बाद तो और भी लोग आ रहे थे, जैसे जैसे हम नीचे जाते बहुत सारे लोग आ रहे थे वहाँ पे। हमारा ट्रैक कंप्लीट हो चुका है, और पीछे देख रहे हैं वो रहा हरियर फोर्ट, वहाँ पे जाके आए, और पीछे हमारी बस खड़ी है, अभी वहाँ तक जाना है हमें। चलिए चलते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, ये वीडियो यहीं पे एंड होता है, क्योंकि प्लान तो कुछ और था, और एक प्लेसेस घूमने का, जैसे कि मेरे हॉस्टल से नज़दीक में एक दगरुस्से टेम्पल था गणेश जी का, वो सोचा मैंने जाऊँ, एक हॉस्टल के एक बंदे ने बताया था मेरे को जो यहीं से नज़दीक है, तो वहाँ पे जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाया। बट नेक्स्ट विजिट पक्का, मैं अगर इफ कभी मौका मिले तो नेक्स्ट डेफिनेटली आई विल गो। एंड इसके बाद व्लॉग नहीं बना पाया मैं, क्योंकि जैसे ही हम नीचे बस के पास पहुँचे हमें एक महाराष्ट्र ऑथेंटिक खाना दिया गया, जो कि घर का खाना था। आप किसी भी ट्रैक के साथ जाओ, या तो किसी होटल में या कहीं पे खाना देंगे, इट वाज इंक्लूडेड इन द पैकेज। तो आई वाज थिंकिंग दैट दे विल टेक अस टू सम रेस्टोरेंट एंड दे विल हैव वहाँ का खाना खिलाएंगे, बट आई वाज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। हमें वहीं के एक गांव में, एक गांव जो नीचे था बेस के पास, वहीं के घर में उन्होंने खाना ऑर्डर किया था, तो उन्होंने घर का खाना दिया गया था हमको, रोटी सब्जी दाल चावल ये सब था, और कुछ महाराष्ट्र डिशेज जिसके नाम मेरे को नहीं पता, सो सॉरी फॉर दैट। अगर नाम आपको पता है, कोई भी एक ट्रैक का जो बंदा अगर वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ कमेंट में बता देना क्या क्या खाना था उसमें। एंड यस दिस इज इट। एंड जब मैं हॉस्टल पहुंचा, क्यों दगरुस्से टेम्पल नहीं जा पाया, जब मैं सुबह नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरी बस थी अराउंड 2 o'clock बैक टू बैंगलोर, जब मैं उठा तो बहुत बॉडी पेन था, बहुत पाँव चला नहीं जा रहा था, एंड स्टमक वाज अपसेट, तो मैं जा नहीं सका।
तो मैं सीधा निकल गया बस के लिए, बस पकड़ा और सीधा बैंगलोर आके ये वीडियो शूट कर रहा हूँ. सो सॉरी फॉर दैट, बट नेक्स्ट विजिट आई डेफिनेटली विजिट द डगुसेट टेम्पल. टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड नीचे कमेंट में कमेंट डालते रहो एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो. थैंक यू, बाय बाय, टिल द नेक्स्ट वीडियो.